आवाज आ रही है बच्चों? गुड मॉर्निंग। इंग्लिश ग्रामर की बुक निकालिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कहाँ तक हो गया था ग्रामर में बताइए। कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ चुके थे बताइए, कहाँ से पढ़ना है आगे? 22 चैप्टर पढ़ना है। 21 पढ़ लिए थे। यस मैम, 21 चैप्टर मैम आप पढ़ा दी थी, 22 पढ़ना है कंजक्शन। आयुषी, नव्यांश, आप दोनों बताइए, 21 हो चुका था? हमें नहीं लग रहा कि 21 हम लोग पढ़े हैं। मैम पढ़े हैं। अच्छा, यस मैम पढ़ चुके हैं। मूवमेंट एंड यस मैम। तो क्या है प्रीपोजिशन बताइए फिर, जब पढ़े हैं तो? मैम नाउन एंड प्रोनाउन के बीच मैम रिलेशनशिप प्रीपोजिशन को बोलते हैं। वेरी गुड, सही है। हाँ, तो हम लोग पढ़े हैं। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन विद द अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। नाउन प्रोनाउन के बीच रिलेशनशिप बताता है दूसरे शब्दों का, जो वाक्य में दूसरे वर्ड्स होते हैं उनका, है ना? और अ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस टेल्स अस, इसमें कई सारे टाइप्स हैं प्रीपोजिशंस के। कौन कौन से हैं? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, और बताइए कौन कौन से टाइप्स हैं? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड मूवमेंट एंड प्लेस। सारे बताइए, सब बताइए कौन कौन से हैं मैम। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, प्रीपोजिशन ऑफ प्रीपोजिशन। करेक्ट प्रोनाउंस करिए। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम एंड, हाँ, तो इसमें प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस में क्या बताया जाता है? किसी भी जगह के बारे में, जैसे इन चेन्नई, ऑन द प्लेटफॉर्म, अंडर द चेयर। तो इन, ऑन, अंडर, ये सारे जो हमें जगह बताते हैं कि ऊपर है, नीचे है, में है, है ना? तो वो क्या हो जाता है? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हो जाता है, जगह। फिर प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट मतलब क्या होता है? जो हम लोग क्रिया करते हैं ना, तो प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट में हमें पता चलता है कि कुछ क्रिया हो रही है, जैसे अप, डाउन, इनटू, ऑनटू, अराउंड, अक्रॉस, अलोंग, थ्रू, है ना? ये सारे जो वर्ड्स हैं ये प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट बताते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, उसमें क्या पता चलेगा? ये ऑब्वियस है, नाम से पता चल रहा है कि क्या पता चलेगा इसमें? टाइम, टाइम पता चलेगा। जैसे माई कजिन विल विजिट अस इन फेब्रुअरी, इन फेब्रुअरी। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है? इन, इन, इन फेब्रुअरी। तो यहाँ पे इन जो है वो आपका प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। विमल इज लीविंग ऑन, लीविंग फॉर भूटान ऑन 25 सितंबर। तो 25 सितंबर को दूसरे वर्ड से किसने मैच करा दिया, किसने टाइम बता दिया? ऑन ने। फिर हाँ, आर रिसेस बिगिंस एट नून। तो यहाँ पे एट जो है ये प्रीपोजिशन है। तो ये सारे जो वर्ड्स है ना, इन, ऑन, एट, आफ्टर, तो ये सारे जो है ये आपको प्रीपोजिशन ऑफ टाइम भी बताते हैं। हाँ, तो yes, ma'am. अब एक्सरसाइज पे आइए। फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रीपोजिशंस फ्रॉम द बॉक्स। अब इन बॉक्स में से आपको एक एक प्रीपोजिशन भरना है। जैसे पहला हुआ है, क्या है? द लिटिल बॉय जंप इन टू द बाथटब हैप्पीली। तो बाथटब में जाएगा ना वो, तो इन टू होगा बाथटब में। अब नेक्स्ट का आप लोग बताएंगे। पुट दीज वुलन क्लोथ्स डैश द कपबोर्ड। क्या होगा यहाँ पे मैम? ऑन कपबोर्ड पर रखते हैं हम लोग कपड़े, जो गर्म कपड़े होते हैं वो कबर्ड पर रखते हैं। मैम इन होगा। तब फिर गलत कैसे बता रहे हो? आई मीट माई फ्रेंड्स द सिनेमा हॉल। मैम
मैम क्या होगा बताइए. मैम फ्रॉम 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 फ्रॉम. ध्यान से देखकर बताइए. मैम टू. मैम कुछ भी बता रहे हो, मतलब कुछ भी बता रहे हो. आई मीट माई फ्रेंड द सिनेमा हॉल. टू टू द सिनेमा हॉल क्या होगा. मैम द एट द सिनेमा हॉल. नेक्स्ट देखिए. प्लीज कीप दीज ऑरेंजेस दैट प्लेट क्या होगा. बताओ. मैम ऑन होगा. मैम ऑन. मैम ऑन. वेरी गुड. ऑन है. ऑन द प्लेट यानी कि प्लेट पर रखना है ना. यस ठीक. नेक्स्ट क्या है. आई टुक माई पेट डॉग क्या होगा इसमें बताओ. कैनल टू. लास्ट सैटरडे आई साइकिल्ड क्या होगा. यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है वही होगा. फ्रॉम माई हाउस टू म्यूजियम. मेरे घर से. फ्रॉम मतलब होता है से, है ना. तो मेरे घर से म्यूजियम तक. नेक्स्ट देखिए. फिर इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशंस फ्रॉम द ब्रैकेट्स. अब ब्रैकेट में जो प्रीपोजिशन है उसको करेक्ट वाला भरना है. जैसे द बॉल रोल्ड अ लिटिल एंड सेटल्ड क्या फिल करेंगे यहाँ पे. द बॉल रोल्ड अ लिटिल एंड सेटल्ड द कार क्या होगा इसमें बताओ. मैम अंडर. अंडर द कार यानी कि कार के नीचे गई ना. यस मैम. हाँ. अब गोपाल स्वैम डैश द रिवर टू द अदर साइड क्या होगा यहाँ पे. गोपाल स्वैम. मैम अक्रॉस. मैम अक्रॉस. क्रॉस यानी कि रिवर को पार करके गया ना. यस मैम. हाँ. नेक्स्ट देखिए. शी इज गोइंग द मार्केट क्या हो जाएगा. मैम टू. मैम टू. टू द मार्केट. लेट्स गो आउट फॉर एन आइसक्रीम डिनर क्या होगा. मैम आफ्टर. After dinner के बाद. सही करेक्ट. फिर मदर शुड बी होम क्या होगा. सिंस 3 PM. हाँ. अब नेक्स्ट देखिए. मैम क्या. सिंस. 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 हाँ टाइम दिया हुआ है ना. तो एग्जैक्ट टाइम के साथ हम लोग सिंस लगाते हैं. और जिसमें सिर्फ एक पीरियड ऑफ टाइम देता है उसमें फॉर लगाएंगे. अब नेक्स्ट चैप्टर पे आइए. चैप्टर नंबर 22 पेज नंबर 90 कंजंक्शंस. हाँ कंजंक्शंस. यस मैम. हमने आपको उस दिन भी बताया था कंजंक्शंस क्या होते हैं बताइए. चैप्टर नंबर 22 क्या होते हैं कंजंक्शंस. मैम जो जॉइनिंग वर्ड्स. मैम जॉइनिंग. मैम वो. हाँ ज्यादा मैम वर्ड्स. हाँ करेक्ट. बिल्कुल करेक्ट.
A conjunction is a joining word. It helps to join two or more words. या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे या दो से ज्यादा कुछ वर्ड्स होंगे उनको एक कर देगा, उसको जॉइनिंग वर्ड भी कहा जाता है। जैसे सबसे पहला कंजंक्शन हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, एंड। सबसे पहला कंजंक्शन है आपका एंड। तो एंड कैसे कुछ वर्ड्स को और कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कैसे जोड़ देता है, जैसे वी यूज एंड टू जॉइन टू और मोर वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस सिमिलर आइडियाज। कुछ दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहेंगे या सेंटेंस का ग्रुप रहेगा जो सेम रहेंगे, जिनका आइडिया जो है, जिनका जो मीनिंग है वो सेम रहेगा, तो उनको हम एक भी कर सकते हैं। जैसे एंड लगाकर हम लोग कैसे एक करेंगे, देखिए शी बॉट अ जैकेट है ना, तो शी जैकेट। अब इसको एंड से हम लोग क्या इसमें जोड़ देंगे, साइकिल या फिर होम, मैम क्या जोड़ेंगे, स्वेटर है ना। तो अब दो जो ये वर्ड्स हैं, जैकेट और स्वेटर, ये दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। तो अगर कोई जैकेट ले रहा है तो वो स्वेटर भी ले सकता है। तो हम लोग ने इसको जोड़ने के लिए एक जॉइनिंग वर्ड लिख दिया जो कि क्या था, एंड है ना। तो एंड से जैकेट और स्वेटर जुड़ गया तो ये एक हो गया ना, दोनों वर्ड्स मिलकर पूरा एक सेंटेंस बना दिए कि उसने क्या लिया, जैकेट भी लिया और स्वेटर भी लिया। एंड का मतलब क्या होता है बच्चों, मैम और, मैम और है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, आई हैव टू बैट्स है ना, I have two bats. And क्या है बताइए, और उसके पास क्या है, hockey stick। अब bat और hockey stick match कर गई ना, उसने sports का सामान लिया, क्या कर लिया, बैट लिए दो और एक हॉकी स्टिक ली है ना, एक हॉकी स्टिक और दो बैट। तो इसको yes, किसने man. जोड़ा, इन दोनों को, हॉकी और बैट को एक साथ किसने जोड़ दिया, एंड ने जोड़ दिया। हाँ, फिर नेक्स्ट देखिए, आई मेट हेमा एट द मॉल, फिर फुल स्टॉप है, यानी कि वो सेंटेंस खत्म हो गया वहां पे। I met Deepanshu at the mall. अब ये दो, जैसे दो आपके sentences दिख रहे हैं। I met किससे मिला? Ma'am Hema. किससे मिला? Ma'am Hema. I met Hema at the mall. फिर full stop है। दूसरा वाक्य क्या है? I met क्या है? Deepanshu. बोलते नहीं हो आप लोग? Deepanshu. मैम दीपांशु, हाँ दीपांशु एट द मॉल। अब ये दो दो जो सेंटेंसेस हैं, दोनों एक ही बात बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि मैं मिली हेमा से मॉल में और मैं मिली दीपांशु से मॉल में। अब इन दोनों को एक करना है हमें कंजम्पशन लगाकर, तो बताइए कैसे एक करेंगे, दोनों चीजों का मतलब एक ही है, मॉल में ही मिल रहे हैं, मिल रहे हैं, हाँ, तो कैसे करेंगे, पूरा करके बताओ कैसे करेंगे। मैम आई मेट दीपांशु एट द मॉल, हाँ, तो इन दोनों को इतने बड़े जो सेंटेंसेस हैं, इन दोनों को छोटा में, शॉर्ट में, लेकिन मतलब यही रहेगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे, आई मेट हेमा एंड है ना, हेमा एंड दीपांशु एट द मॉल, एट द मॉल में, एट द मॉल। ऐसे ही आपका कंजंक्शन काम करता है, एक सिर्फ एक कंजंक्शन लगाने से दो ये बड़े बड़े जो सेंटेंसेस हैं ये दोनों एक हो गए। आई मेट हेमा एंड दीपांशु एट द मॉल है ना, तो कंजंक्शन ऐसे ही काम करेगा। वी ऑल्सो यूज एंड टू शो दैट वन एक्शन हैपेंस आफ्टर अनदर। हम लोग एंड कंजंक्शन का यूज और भी कैसे करते हैं, ये भी दिखाने के लिए कि एक्शन जो है वो, दो एक्शन जो है वो एक साथ हो रहे हैं, दोनों एक्शन एक साथ हो रहे हैं।
जैसे अभी हम लोग सिर्फ वाक्य को जोड़ रहे थे, वर्ड्स को जोड़ रहे थे, लेकिन आप एक्शंस को कैसे जोड़ेंगे? एंड के एक्शंस को, है ना? दो एक्शंस को हम लोग जोड़ते हैं कैसे? शी कंप्लीटेड हर वर्क. क्या हो गया? शी कंप्लीटेड हर वर्क. आगे एंड लेफ्ट द ऑफिस फॉर द डे. ऑफिस फॉर द डे. लेफ्ट द ऑफिस फॉर द डे. ऑफिस फॉर द डे. तो उसने अपना काम कंप्लीट किया एंड कंजंक्शन हमने जोड़ दिया एंड लेफ्ट द ऑफिस फॉर द डे. ठीक. तो अब अगर हम ऐसे कहते कि शी कंप्लीटेड हर वर्क फुल स्टॉप, शी लेफ्ट द ऑफिस फॉर द डे, तो ये अलग अलग सेंटेंसेस हो जाते. लेकिन हमने फुल स्टॉप नहीं लगाया, हमने इनको एक कर दिया. कैसे एक कर दिया? शी कंप्लीटेड हर वर्क एंड लेफ्ट द ऑफिस फॉर द डे. तो हमने और लगाकर दो सेंटेंसेस को एक कर दिया. शी कंप्लीटेड हर वर्क एंड लेफ्ट द ऑफिस फॉर द डे. तो दो एक्शंस है कंप्लीट करना. एक एक्शन क्या था इसमें? एक क्रिया क्या हो रही है? वर्ब कंप्लीट करने की. दूसरी क्रिया क्या हो रही है बच्चों, बताइए? दूसरी क्रिया क्या हो रही, दूसरा वर्ब क्या हो रहा है? हाँ बताइए दुर्गेश. दो एक्शंस को हमने एक किया है. पहला एक्शन हमने आपको बताया कि कंप्लीट करना, उसने कंप्लीट किया, अपना काम कंप्लीट किया, वो पहला एक्शन है. दूसरा एक्शन क्या है? मैम ऑफिस. मैम ऑफिस तो ऑब्जेक्ट है, ऑफिस का काम उसने कंप्लीट किया है, वो नहीं है. मैम फॉर द डे. मैम फॉर द डे. वो तो दिन बताया जा रहा बच्चों, वो तो दिन बताया जा रहा है कि उस दिन को कंप्लीट किया. क्रिया लेफ्ट लेफ्ट. कैसे आप लोग को क्रिया याद नहीं रहती है? हमने पूरा टॉपिक पढ़ाया है. एक्शन वर्ड, डूइंग वर्ड, लेफ्ट कंप्लीट, यही तो है ना. लेफ्ट करना यानी कि जाना, छोड़ देना. कंप्लीट करना यानी कि खत्म करना, फिनिश करना. कैसे आप लोग को याद नहीं रहता है? कुछ रिवाइज नहीं करते हो, कुछ याद नहीं करते हो? मेरे एक बार पढ़ा देने से वो चीज नहीं आ जाएगी जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे. तो ये आपका हो गया एंड का यूज, कैसे हम लोग एंड कंजंक्शन को यूज करते हैं. ठीक. अब नेक्स्ट क्या है देखिए, बट. बट बट बट. नेक्स्ट आपका कंजंक्शन है बट. बट बट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, कौन बताएगा? पर या लेकिन. पर लेकिन है ना, पर या लेकिन. लेकिन तो अब इससे हम लोग कैसे वाक्यों को जोड़ेंगे? जैसे ही इज 70, वी यूज बट टू जॉइन टू मोर अपोजिट आइडियाज. अब देखो इसमें क्या करेंगे, एंड में हम लोग क्या करें, सेम आइडिया वाले चीजों को जोड़ देते थे. ठीक. सेम आइडिया वाली बातों को जोड़ देते थे, वर्ड्स को और कुछ एक्शंस को जोड़ते थे, है ना. एंड में हम ये करते थे. लेकिन बट में हम क्या करेंगे, अपोजिट, एकदम उल्टा जो आइडिया रहेगा, उल्टी जो बात रहेगी उसको हम जोड़ देंगे. जैसे दो अलग अलग बातों को एक साथ कर देंगे. जैसे ही इज 78 ईयर्स ओल्ड, तो ही इज 78 ईयर्स ओल्ड. अब इसमें कंजंक्शन बट लगाकर हम क्या कर देंगे, बट लेकिन. वेरी एक्टिव. वेरी एक्टिव. अब देखो 78 ईयर्स ओल्ड है तो बहुत बूढ़ा है ना, ओल्ड है. 80 होने ही वाला है. कितने ईयर्स बाद 80 का हो जाएगा? 78 ईयर्स ओल्ड है तो मैम 2 ईयर्स बाद. मैम 2 है ना. तो 80 ईयर्स और 78 ईयर्स बहुत ज्यादा ही एज होती है, कम एज नहीं होती है. तो ही 78 ईयर्स ओल्ड यानी कि वो बूढ़ा है.
लेकिन बट लेकिन क्या करता है, बहुत एक्टिव है, बहुत सक्रिय है ना, बहुत एनर्जेटिक है या बहुत एक्टिव है। तो ये दो अलग बातों को हमने एक कर दिया, कौन सा कंजम्पशन लगाकर, बट लगा, ठीक। बट नेक्स्ट देखिए, he went to the post office. अब वो कहाँ गया, पोस्ट ऑफिस गया। He went to the post office. But अब वो गया तो है पोस्ट ऑफिस, लेकिन इससे कुछ उल्टा हो जाएगा, और वो उल्टा चीज क्या होगी बताइए। It was closed. वो गया तो पोस्ट ऑफिस, किसी काम से ही गया होगा, लेकिन इसमें क्या अलग हो गया कि वो जो पोस्ट ऑफिस है वो बंद है। बंद है, बंद। तो समझ में आ रहा ना कि कुछ चीज जो हम बोलेंगे उसका कुछ उल्टा हो जाएगा, लेकिन लेकिन यानी कि कुछ बात बदल गई। तो पोस्ट ऑफिस गया अपना काम करने के लिए, लेकिन पोस्ट ऑफिस तो बंद था, है ना। यस मैम, ठीक। जैसे कहते ना कि आप तो बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन लेकिन आप में एक प्रॉब्लम है ना। तो जो अच्छे अच्छी वाली बात को रोक दिया हमने, उसको उल्टा कर दिया और क्या कह दिया कि एक प्रॉब्लम है, ठीक। आपका ये काम तो हो जाएगा लेकिन आज नहीं होगा, तो दोनों बातों को हमने उल्टा कर दिया ना, काम तो हो जाएगा लेकिन आज नहीं कल होगा, है ना। समझ रहे हो लेकिन बट कंजम्पशन का यूज। यस मैम, यस मैम। समझ में आ गया कि नहीं आया, बताओ। जिसको नहीं, जिसको प्रॉब्लम हो रही है वो जल्दी बताए। मैम समझ में आ गया, मैम समझ में आ गया। आगे बढ़े। यस मैम, आगे बढ़े ना। यस मैम। नेक्स्ट कंजम्पशन कौन सा है आपका, जल्दी बताओ मैम। और और अब देखो, हिंदी वाला और नहीं है ये, इंग्लिश वाला और है, है ना। अभी हमने एंड पढ़ा था, हिंदी वाला और, लेकिन अब हम लोग कौन सा और पढ़ेंगे, इंग्लिश वाला और। और इंग्लिश वाला और का मतलब होता है कि जो दूसरा ऑप्शन देते हैं ना, कि या कह सकते हैं इसको, या तो, है ना। जब नहीं कहते कि ये करो या ये करो, ये चूज करो या ये चूज करो, ना, या जो लगा देते हैं और जो लगा देते हैं। जैसे वी यूज और टू जॉइन टू और मोर वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस दैट ऑफर अ चॉइस, है ना। इसमें क्या बताते हैं आपको, एक चॉइस, आपको चॉइस दी जाती है, ठीक। ये लो या ये लो, है ना, ये खा लो रसगुल्ला खा लो या रसमलाई खा लो, है ना। तो yes, क्या खाना चाहोगे बताओ, क्या खाना चाहोगे, किसको रसगुल्ला खाना है या रसमलाई खानी है, बताइए क्या खाना है, बताओ। अब है रसगुल्ला या रसमलाई, जल्दी बताओ, चॉइस बताओ अपनी। किसी को कुछ नहीं खाना मैम, रसमलाई। अभय को रसमलाई खानी है, अभय ने चूज किया, उसकी चॉइस क्या है, रसमलाई। लेकिन दुर्गेश और नव्यांश नहीं खाते हैं मीठा, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यस, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, सच में? यस मैम। बताओ मेरा प्रिडिक्शन, मेरा गेस कितना करेक्ट निकला दुर्गेश के बारे में, सोच लो। तो आइए अब आप लोग एग्जाम्पल पे, हम लोग यहाँ पे कुछ चॉइसेस करते हैं, एग्जाम्पल्स की चॉइसेस करते हैं। देखो यहाँ पे भी सबसे पहला जो ऑप्शन है वो खाने का है, इसमें से बताना दुर्गेश आपको क्या पसंद है, क्योंकि ये नमकीन चीज है। तो यू मे बाय अ पेस्ट्री और अ सैंडविच, बताइए क्या आप खरीदोगे। यू मे बाय अ पेस्ट्री और अ सैंडविच। अब हम सबको पता है कि दुर्गेश इसमें से क्या चॉइस करने वाली है, तो अब है आप बताइए दुर्गेश, पेस्ट्री लेगी या सैंडविच लेगी, बताइए जल्दी से क्या लेगी दुर्गेश। सैंडविच मैम, सैंडविच। सैंडविच लेगी, करेक्ट आंसर है ना दुर्गेश। यस मैम, क्योंकि दुर्गेश ने अभी अभी बताया कि उसको मीठा पसंद नहीं है, तो उसकी चॉइस क्या है,
सैंडविच. तो समझ गए हो और का मतलब क्या हो रहा है? और मतलब या तो पेस्ट्री या तो सैंडविच, है ना, या तो पेस्ट्री या तो सैंडविच. आपने देखो एग्जाम में आपके पास दो क्वेश्चंस आते हैं, उसमें लिखा होता है कि ये वाला क्वेश्चन, फिर नीचे लिखते हैं और फिर दूसरा क्वेश्चन. इसका मतलब कि आपको ये क्वेश्चन करना है या तो ये क्वेश्चन करना है, ना यही तो होता है ना उसका मतलब. असाइनमेंट मिलता है आपको, तो असाइनमेंट में दो आपके पास ऑप्शन रहते हैं, ये वाला असाइनमेंट और ये वाला. और का मतलब होता है कि इसको चूज करना है किसी एक को. लेकिन अगर हम लिख देते हैं एंड, हिंदी वाला और, तो फिर हमको क्या करना रहेगा चूज, बताइए. अगर हम एंड लिखते हैं तो हम क्या चूज करेंगे? मैम दोनों. करेक्ट, वेरी गुड. कुछ भी चूज नहीं करेंगे, हमारे पास एंड अगर लिखा हो तो हमको वो दोनों ही करना है, इसमें कोई चॉइस नहीं है. समझ में आ गया ये कंजक्शन और वाला? यस. आगे बढ़े. यस मैम. चलो नेक्स्ट कंजक्शन कौन सा है बताइए जल्दी. मैम सो. सो तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सो? एनी आइडिया? सो. सो मतलब तो, है ना. तो सो मतलब तो. तो वी यूज सो टू शो द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन. एक्शन आपको पता है क्रिया, जो हम लोग क्रिया करते हैं, मूवमेंट करते हैं. तो हम सो का यूज क्यों करते हैं? एक्शन का रिजल्ट बताने के लिए कि तुमने पढ़ाई नहीं की तो तुम फेल हो गए, है ना. तुमने पढ़ाई नहीं की तो तुम फेल हो गए, या तुमने अच्छी तैयारी नहीं की तो तुम्हारे मार्क्स कम आए. सो समझ रहे हो? Yes, या तुमने रोड पर साइकिल चलाई या रोड पर खेल रहे थे तो तुम गिर गए, है ना. तुमने मम्मी की बात नहीं मानी तो तुम्हें डांट पड़ी पापा से, ठीक. तो ये तो yes. जो है सो है, ये आपके एक्शन का कोई रिजल्ट बताएगा. जैसे प्रीति नीडेड स्टेशनरी फॉर हर प्रोजेक्ट, ठीक. प्रीति नीडेड स्टेशनरी फॉर हर प्रोजेक्ट. सो शी वेंट टू द मार्केट. So, she went to the market. तो हमने यहाँ पर देखा कि प्रीति को किसकी जरूरत थी? स्टेशनरी के सामान की जरूरत थी, उसको कुछ स्टेशनरी का सामान चाहिए था. इस एक्शन को कंप्लीट करने के लिए उसको क्या करना है, कहाँ जाना पड़ेगा? मार्केट. तो कहाँ जाना है? मार्केट. तो हमने किसी एक्शन का रिजल्ट बताया कि उसको स्टेशनरी का सामान खरीदना है. तो जो खरीदना है, नीडेड चाहिए, जरूरत, वो उसका एक नीड है. लेकिन उसको कंप्लीट करने के लिए उसको क्या एक्शन करना पड़ेगा, क्या एक्शन लेना पड़ेगा? मार्केट जाना पड़ेगा, है ना. यस. समझ रहे हो सो का मतलब? यस मैम. नेक्स्ट देखो, आई वॉन्टेड टू लर्न डांसिंग. मैं डांसिंग सीखना चाहती हूँ. तो मैंने क्या किया? आई ज्वाइंड अ डांस अकेडमी, है ना. आई वॉन्टेड टू लर्न डांसिंग सो आई ज्वाइंड अ डांस अकेडमी. नेक्स्ट क्या है? ही वॉन्टेड टू बी मोर एक्टिव. वो और ज्यादा एक्टिव बनना चाहता है. सो उसके लिए वो क्या करेगा? He started playing sports. उसको एक्टिव बनना है. अब किसी को एक्टिव बनना है तो वो अपनी बॉडी के मूवमेंट्स करेगा, एक्सरसाइज करेगा, स्पोर्ट खेलेगा, है ना. यस मैम. तो सो का मतलब पता चल गया बच्चों एकदम अच्छे से? यस मैम. यस मैम. यस मैम. अब यहाँ पे जो हम लोग का भी जो बच रहा है एडजेक्टिव या कंजंक्शन जो बच रहा है उसको मार्क कर लो. नेक्स्ट क्लास में हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक. एक साथ सब पढ़ लेंगे तो हम लोग भूल जाएंगे, है ना. यस मैम. बिकॉज़
चलो तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे. बाय बाय बच्चों. बाय मैम. कुछ पूछना है किसी को? किसी को कुछ पूछना है? कोई कंफ्यूजन कुछ भी? नो मैम. सब क्लियर है? चलो. यस मैम. बाय बाय. बाय मैम. थैंक यू स्टूडेंट. थैंक यू मैम.